अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंड दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट द रस 11 11 से। सो आई एम हेयर टू शेयर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बॉट फ्रॉम द रस 11 11 से। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव बॉट इज़ द फ़ोन होल्डर। मुझे काफ़ी अरसे से एक ट्राईपॉड चाहिए था और मैंने दराज पे बहुत सारे ट्राईपॉड्स को चेकआउट किया, लेकिन उनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे। हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम था। तो जिसके मुझे रिव्यूज़ अच्छे लगे और अच्छे थे, वो ये एक ही फ़ोन होल्डर था जिसको मैंने जल्दी से ऑर्डर कर लिया। और इसकी प्राइस जो थी वो 427 थी और स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस 119 थे। तो ये इस छोटे से बॉक्स में आया था, पीसीस थे इसके। तो पहले मैंने इसको असेंबल किया। तो असेंबल करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये प्लास्टिक का बना हुआ था, अच्छी क्वालिटी का था। और जब आप इसको में फ़ोन फिट करते हैं तो आप जिस एंगल पे चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो क्वालिटी भी अच्छी थी और ये चीज़ भी अच्छी है, मतलब जैसे आप इसको चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। बस थोड़ा सा मुझे ये प्राइसी लगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है और साइज़ जो है अराउंड 1 फीट है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्राइसी लगा। दूसरी चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो ये शिमर आईलाइनर्स हैं 3, और इनकी प्राइस जो थी 148 सिंगल आईलाइनर की प्राइस थी। तो 3 मैंने मंगवाए थे। और इसमें जो ड्रॉबैक है मैं कहूँगी इसका, तो वो ये है कि ये आपको ऑप्शन नहीं दे रहे थे कि आपको कौन सा कलर चाहिए, वो ख़ुद ही अपनी तरफ से आपको अपनी मर्ज़ी के कलर्स भेज देंगे। जो मैंने 3 मंगवाए थे तो उन्होंने मुझे एक गोल्डन, एक पिंक और एक ग्रीन कलर का जो है शिमरी आईलाइनर्स भेज दिए हैं। इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन बस ये जो इसका ये एप्लीकेटर है ये मुझे थोड़ा सा थिक लगा, बाकी ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आईलाइनर्स हैं। Thank you.
उसके बाद मैंने इंतहाई हसीन अफ़गानी चोकर मंगवाया था, और ऐसे चोकर मैंने बहुत सारे लोकल जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे देखे हैं, लेकिन उनमें मसला ये होता था कि उसके नीचे कॉइंस लगे होते थे और वो बहुत ज़्यादा हेवी लगता था। और इसमें मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई कि इसके नीचे कॉइंस नहीं थे और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मतलब एक नॉर्मल साइज़ का था उस लिहाज से, और इसकी प्राइस 430 थी और स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस वही थे जो दराज के हैं। ये बहुत ही अच्छा था, हाईली रिकमेंडेड है। इस शुगर का प्राइस और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट्स मुझे पहले रिसीव हुई थी और बाकी तीन प्रोडक्ट्स जो हैं मुझे थोड़े अरसे बाद रिसीव हुई थी, इसलिए मैंने ये तीन जो है उसके बाद जो है अनबॉक्स किए हैं। ये मैंने एक दूसरा चोकर मंगवाया था, बहुत ही प्यारा पर्ल चोकर था और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में था। इसकी प्राइस जो है वो 257 रुपीज़ थी और स्टैंडर्ड डिलीवरी 119 जो। इसके जो रिव्यूज थे बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मुझे सब्र नहीं हो रहा था कि मुझे कब रिसीव होगा, और जब ये रिसीव हुआ तो जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था ये अपने एक्सपेक्टेशन तो पूरा होता। बस इसमें एक थोड़ी सी ये कमी थी कि जितना शाइनी इसका चोकर था इसके जो स्टड थे वो इतने शाइनी नहीं थे एज़ कम्पेयर टू द चोकर। बाकी ये अपने प्राइस के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने कुछ पोस्टर कलर्स मंगवाए थे क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने कैनवासेस मंगवाई थी, मेरे पोस्टर कलर्स ड्राई हो गए थे, इसलिए मैंने और मंगवा दिए, और इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। ये मुझे सिर्फ 175 रुपीज़ के मिले और इनकी जो डिलीवरी थी वो फ्री थी, और इनके कलर्स भी काफ़ी फ्रेश और अच्छे थे। 15 कलर्स के ये पोस्टर कलर थे डिफरेंट कलर्स के, और काफ़ी अच्छे हैं। अगर कोई बच्चों के लिए ख़रीदना चाहता है या इवन अपने यूज़ के लिए भी, तो उसको आसानी से ख़रीद सकता है क्योंकि काफ़ी प्राइस लो है इसकी। जो लास्ट चीज़ मैंने मंगवाई है वो ग्लैमरस फेस का पर्पल कलर का नेल पॉलिश है, और स्क्रीन पे काफ़ी बहुत आई सूथिंग कलर लग रहा था, ना बहुत ज़्यादा डार्क,
मैं बहुत ज़्यादा लाइट पर्पल, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुआ तो ये जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं था। ये डार्कर शेड था स्क्रीन पे, ये ब्लूइश नज़र आ रहा है, लेकिन ये पर्पल कलर है और डार्कर शेड था। जो मुझे चाहिए था ये वो नहीं था। इसके प्राइस 265 रुपीज़ थे और 169 के अराउंड इसके डिलीवरी चार्जेस थे। क्वालिटी इसकी अच्छी है, स्मेल्स, टेक्सचर सब इसका अच्छा है, लेकिन ये वो कलर नहीं है जो मुझे चाहिए था। तो ये थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।